उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूक चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रही है। तो भाई ललितपुर नगर पंचायतों की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी उतार दिए हैं। जिले की सबसे चर्चित नगर पंचायत की अगर हम बात करते हैं तालबेट की, तो तालबेट पर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता पुनीत परहार पर भरोसा जताया है। तो वहीं 3 बार की लगातार चुनी गई नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी को बीजेपी ने टिकट नहीं दी है। इसी के साथ साथ पाली में कमलेश चौरसिया को चेहरा बनाया गया है, तो मेहरोनी में श्रीमती कृष्णा सिंह को बीजेपी ने चेहरा बनाया है। आपको बताते चले कि श्रीमती कृष्णा सिंह निर्दलीय चुनाव जीत कर आई थी और बाद में बीजेपी में शामिल हुई थी। वहीं मुक्ता सोनी भी बाद में बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने मुक्ता सोनी को टिकट नहीं दिया है, पुनीत परहार पर पुनः भरोसा जताया है। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।